हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौतम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th NCERT लेसन 15, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण या आवर एनवायरनमेंट। तो इससे पहले मैंने मस्ट इम्पोर्टेंट MCQ वीडियो सीरीज अपलोड किया है, जो कि लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन एवं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अनुवांशिकता जैव विकास का है, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार अवश्य देखें। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हमारे यहाँ पर्यावरण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये एक बार आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना जो कुछ भी स्कोर होगा उसको शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जून, और ऑप्शन डी है 27 सितंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 जून। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी फलों के छिलके, ऑप्शन सी प्लास्टिक, और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप एक क्या कीजिए, अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए कि वैसे पदार्थ, यहाँ पर राइटिंग हो सकता है अच्छा नहीं बने, वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें फिर से, अगर आपको लिखने में यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है इसलिए आप वॉइस को क्लियरली सुन लें कि वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप, वर्षा, वायु, खनिज एवं मृदा पर्यावरण के हैं क्या हैं? तो ऑप्शन ए है रासायनिक कारक, ऑप्शन बी भौतिक कारक, ऑप्शन सी जैविक कारक, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर इसका होगा आंसर बी, भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर होंगे। ठीक, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे, जंतु, मानव एवं सूक्ष्म जीव पर्यावरण के डैश हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यह कौन सा फील होगा? ऑप्शन ए है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, और ऑप्शन डी है जो कि लास्ट है अजैविक कारक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमारे जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अपमार्जक, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऑप्शन सी जिसको सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह आप पढ़े होंगे, तो ये जो बनता है आपका पिरामिड। ठीक, तो पिरामिड में क्या बताया जाता है कि ऊर्जा उत्पादक से लेकर यहाँ तक आपके जो तृतीय उपभोक्ता है उस तक जाता है,
तो ये होता है सबसे पहले ऊर्जाता कहाँ से है, सन से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा उत्पादक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। और इसके बाद ये अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे इंटर लिंक होते हैं दूसरे से, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक दिशीय होता है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, किसी आहार श्रृंखला में फूड चेन का आरंभ किससे होता है। फूड चेन आप पढ़े होंगे, क्या है कि आहार के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, इससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं। तो आहार श्रृंखला का सबसे बेसिक यूनिट है जो भी होता है, सबसे बेस क्या होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे क्या बनता है, यहाँ पर बनता है उत्पादक, ठीक, उत्पादक होते हैं, फिर यहाँ पर उपभोक्ता होगा, ठीक। उपभोक्ता का कैटेगरी दिया हुआ है, 3 है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्पादक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इसी से ये जो है सबसे बेसिक यूनिट है, इससे सारा कुछ आरंभ होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य और कुत्ता निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, शाकाहारी होंगे या सर्वाहारी होंगे, या ऑप्शन सी जो है मांसाहारी, या इसमें से कोई नहीं, या कोई नहीं होंगे। तो आप देखिएगा, तो मनुष्य हैं जो कि किस में आएंगे, सर्वाहारी में इनको रखा गया है। तो ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, आप तो बचपन से जान रहे होंगे सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी शाकाहारी यानी हर्बीवोरस जंतुओं को क्या कहते हैं। तो आप देखिए, इसलिए आपको समझने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में एक फिगर अटैच किया गया है, इससे आप समझ सकते हैं किसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर उत्पादक जो होता है पहला पोषी स्तर होता है, और प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें कि शाकाहारी आते हैं उसको बोला जाता है, द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा पोषी अंतर उसके अंतर्गत द्वितीय उपभोक्ता, और चौथी पोषी स्तर के अंतर्गत बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो शाकाहारी हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शाकाहारी किस में आ रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आ रहे हैं ना। तो प्राथमिक इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरामिड है, एनर्जी ऊर्जा का जो पिरामिड है, आप इसको एक बार अपने नोट कॉपी या रफ कॉपी जहाँ पर भी आप इसको बना के याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता को किस श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। तो अभी जस्ट इससे पहले मैंने स्लाइड में दिखाया, वहाँ पर क्या था, सबसे उच्च उपभोक्ता कौन थे, मांसाहारी, जो तृतीय उपभोक्ता के रूप में रखा गया था सबसे टॉप पर, ठीक। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो यहाँ पर ऐसे पिरामिड अभी देखे थे, तो यहाँ पर जो थे शीर्ष पर सबसे टॉप पर जो थे वो तृतीय उपभोक्ता थे, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से सारे हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट इससे पहले कोई डिस्कस किया जा रहा था कि सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, अपघटक इंग्लिश में डिकम्पोजर बोला जाएगा, उत्पादक प्रोड्यूसर, सी उपभोक्ता या कंज्यूमर, और ऑप्शन डी है शाकाहारी या हर्बीवोरस। तो जानते हैं ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन को प्रिपेयर सेल्फ करते हैं, इसलिए उनको बोला जाएगा उत्पादक। वो क्या है, वो जो होंगे उसको बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 ना, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होंगे उत्पादक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक, मांसाहारी बिल्कुल नहीं होंगे, शाकाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता के में आते हैं शाकाहारी जीव। यहाँ पर अभी आप देखे थे क्या था, सबसे नीचे क्या थे, उत्पादक थे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता थे, ठीक।
तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या थे? शाकाहारी जीव थे, मांसाहारी यहाँ पर आपके द्वितीय में थे, और तृतीय में आपके सर्वाहारी को रखा गया, या तो जो भी टॉप लेवल के हैं या बड़े मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक मुर्दाखोर है? मुर्दाखोर मतलब स्केवेंजर्स जिसको बोला जाता है, जो कि डेड एनिमल्स के वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बकरी सारे लोग जानते हैं, एक गोट जो होता है वो शाकाहारी में आ जाएगा, गाय भी शाकाहारी है, और मनुष्य तो सर्वाहारी है, ये भी मुर्दा नहीं खाते हैं। और जो ऑप्शन डी है, सीआर जिसको जैकल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मुर्दाखोर के बेस्ट एग्जाम्पल में से एक है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता, ठीक, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो कि अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? प्रोड्यूसर से या उत्पादक से, जो कि ग्रीन पेड़ पौधे होंगे उनसे, ग्रीन प्लांट से अपना भोजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा उसको ही उपभोक्ता बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर सारे चीज़ जो मिल रहे हैं आपको, कि ये सारे क्या है कि ऑलमोस्ट अब देख रहे हैं कि भोजन कहीं ना कहीं से बना लेते हैं। ठीक, जीवाणु ऑप्शन हो गया गलत, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गाय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, या नेचुरल इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है? ठीक, यहाँ पर देखिए, कृषि ये तो अपने आर्टिफिशियल में आ जाएगा, जल जीवशाला मतलब इक्वेरियम का बात किया जा रहा है, और ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है फुलवारी, फुलवारी भी हम लोग लगाते हैं, जल जीवशाला ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल में है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो होगा वो है प्राकृतिक तालाब, ऑप्शन सी, अदरवाइज बाकी ये जो ऑप्शन थ्री तीन मिल गए सी छोड़कर एक्सेप्ट में थ्री, तो वो क्या हो गए? कृत्रिम, ठीक, कृत्रिम जीवशाला का एग्जाम्पल आप उसको लिख सकते हैं, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आप इसको मिला सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। अभी दस डिस्कस किया गया था क्या, कि जैविक प्रक्रम द्वारा जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और जो अपघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैसे कि प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय की बात की जा रही है। जो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी थर्मोकोल, और ऑप्शन डी है कांच। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन ए को छोड़कर ये सारे अपघटित नहीं होंगे, और ऑप्शन ए है जो अपघटित होगा, इसलिए ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, और अदरवाइज ये जो सारे बी सी डी हैं वो आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे, या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या वेस्टेस्ट के रूप में इनको बोला जाता है, और बायोडिग्रेडेबल जो कि जैविक हम लोग बोल रहे हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या करें, आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्मित होता है, शाकाहारी किस पोषणीय स्तर के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये हुआ तो प्रथम पोषणीय स्तर, द्वितीय पोषणीय स्तर, तृतीय पोषणीय स्तर, या सभी। तो आप याद कीजिएगा कि प्रथम पोषणीय स्तर में कौन आते हैं, ये भी आप नोट कीजिए, प्रथम पोषणीय स्तर में कौन आते हैं बताइए? तो प्रथम पोषणीय स्तर में आते हैं उत्पादक, उत्पादक मीन्स हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और द्वितीय पोषणीय स्तर में आते हैं शाकाहारी जीव। ठीक, द्वितीय पोषणीय स्तर में कौन आता है? शाकाहारी जीव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बिल्कुल कौन सही होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय पोषी स्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ओजोन, सबसे पहले बताइए
ओजोन लेयर के बारे में बात किया जा रहा है। ओजोन लेयर जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको किससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है ये ओजोन जो है, यूवी रेडिएशन, इससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। इसमें क्या देख रहे हैं कि कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, डेली एक्टिविटी, ह्यूमन के बैड एक्टिविटी के कारण ये अक्षयित होते जा रहा है। ठीक, क्षय होते जा रहा है, मतलब इसका नष्ट होते जा रहा है। तो इसको बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं कदम, और इसमें आप सहयोग करें सारे लोग, ताकि ये ओजोन सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, इससे जो होने वाली बीमारियां हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक, इसलिए आपको इस टॉपिक में या आपके बुक में इसका मेंशन इसलिए किया गया कि आप इसको यूटिलाइज करें, समझें और लोगों को मोटिवेट करें कि ऐस जितने भी हम लोग बैड एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको स्टॉप करें, ताकि मेरा ओजोन डिप्लेशन कम हो और हम लोग सुरक्षित रहें। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ओजोन अवक्षय, यहाँ पर देखिए, ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्या है। ओजोन अवक्षय मतलब ओजोन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, ओजोन जो परत है। मान लेते हैं कि ये जो आपका अर्थ हुआ, ठीक, अर्थ के ऊपर जो एक परत है, ये क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल, ये जो है अल्ट्रावायलेट रे को यहाँ पर क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, समाहित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जो हमारे लिए यूजफुल है उनको आने देता है, और इससे हम बचते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है ना, वो आपका जो है CFC का नाम सुने होंगे आप। क्या सुने होंगे? CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो आपका ऑप्शन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मेन है, इस पर बैन लगा दिया गया था कि इसका उत्पादन स्टॉप किया जाए। यही मुख्य कारण जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, आप देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक, तो आप जो ओजोन का जो टॉपिक है उसको सीरियसली नोट बनाइए, क्या क्या बना सकते हैं, ओजोन क्या है, ओजोन का लेयर कहाँ पर पाया जाता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ठीक, ओजोन अवक्षय का कारण क्या है और इसके निपटारा कैसे किया जा सकता है, या इससे हम लोग बचने के कारण क्या क्या है। ठीक, तो जो भी इसके कारण होंगे उसको हम लोग रोक लगा देंगे, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम पर भी आप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न होगा उसको भी इंक्लूड करके टेलीग्राम में डिलीट दिया जाता है। आप वहाँ से अपना बोर्ड का प्रिपरेशन बेटर वे में कर सकते हैं। कोई भी डाउट है फ्रिक्वेंटली आप इसमें मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो उसका सोल्यूशन आपको तत्काल ही तुरंत आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पारितंत्र में सफाई का कार्य कौन करता है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रकृति में जो कुछ भी है सफाई एजेंट किन्हें कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, जैसे कि सारे लोग का वर्क देखेंगे, उपभोक्ता का क्या है, उत्पादक का क्या है, शाकाहारी जीव क्या है, ये सारे चीज़ जो मिल रहा है आपको, और कुछ कुछ की टर्म आपको दिए जाएंगे जो कि आप कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक वर्ड छूट गया, जैविक आवर्धन किसे कहते हैं। आप जैविक आवर्धन अगर पॉसिबल हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या उत्पादक का कार्य है ये सब लिखिएगा, पोषी स्तर किसे कहते हैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, तो अपमार्जक यहाँ पर देखिए क्या है, उत कि पारितंत्र में सफाई का कार्य कौन करता है। सफाई मतलब कि जो कुछ भी यहाँ पर सफाई का मतलब है कि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कुछ भी आए, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो गए, सड़ गल जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनका जो होता है कि पूरी तरह से डिकम्पोजिशन का कार्य, अपघटन का कार्य कौन करते हैं। तो अपघटन का कार्य कौन करता है आप जानते हैं, उपभोक्ता तो करते नहीं हैं, उत्पादक तो भोजन का फॉर्मेशन निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं अपने लिए, उपभोक्ता के लिए भी बनाते हैं। उपभोक्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, किस पर डिपेंड है जी, जितने भी उपभोक्ता हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्पादक पर डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ पर जो सफाई का कार्य करते हैं वो है डिकम्पोजर, ये है अपमार्जक, जिसको हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक, डिकम्पोजर ये सारे कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, देखते हैं कि कुछ प्लांट
जैसे ही सूखे पत्ते गिरते हैं तो कुछ दिन बाद मिट्टी सॉइल बन जाते हैं। तो क्या होते हैं वो, कुछ ना कुछ डिकम्पोजर आते हैं, उनको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। इस तरह से हमारा जो संतुलन है प्रकृति का वो बना रहता है। अगर पोषी स्तर का किसी भी एक पोषी स्तर का सारे जीव को नष्ट कर दिया जाएगा तो मेरा पारितंत्र ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है कि पारितंत्र नष्ट हो जाए और किसी एक का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो पारितंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है कौन, अपमार्जक या डिकम्पोजर, जो कि क्या करते हैं प्राकृतिक में सर सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इतना ही था आज के लिए। ठीक, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको कुछ अपडेट मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। और बहुत ही आपके लिए जो न्यू सिलेबस आया है या जो न्यू पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, उसमें बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें।